तो इसी बीच सोनीपत से एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राय के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई, तो आपको बता दें भीषण आग लगी है। दरअसल जुराब की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी बताया जा रहा है। तो सोनीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के टॉप फ्लोर में ये आग लगी थी। फिलहाल आग किस कारण से लगी है इसकी जांच लगातार जारी है। लाखों रुपए का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है, क्योंकि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखिए तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। तो इंडस्ट्रियल एरिया है ये राई का, जहां पर भीषण आग लगी है और टॉप फ्लोर पर ये आग लगी है। फिलहाल किस कारणवश आग लगी ये लगातार जांच की जा रही है। इसमें आपको बता दें कि लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राम सिंगमार हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से भीषण आग लगी है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए, सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में जुराब बनाने की एक फैक्ट्री थी और देर रात जो है आग लगी और करीबन 12 गाड़ियों की मशक्कत से जो है टॉप फ्लोर पर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के पीछे कारण टॉप फ्लोर पर सोलर की लाइट लगी थी, जिसमें एक दिन शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से आग जो है फैक्ट्री के गोद ऊपर स्टोर की हुई जुराबों में आग लग गई। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जुराब बनाने का भी इस फैक्ट्री में काम होता था। हालांकि जिस प्रकार से यहां पर कई अन्य जगह पर भी जुराब बनाने का कार्य हो रहा था, लेकिन यहां पर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कर्मचारियों की सूझबूझ से ही जो है आग पर तुरंत काबू पाया गया और इसी कारण जो है आग फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में नहीं जा पहुंच पाई और जिसकी वजह से यहां पर फैक्ट्री मालिक को अन्य नुकसान हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से आग फैली और आग पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती तो फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में आग होती और जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा सकता है और स्थानीय यहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी उसके अतिरिक्त अन्य खंड से भी गाड़ियां बुलाई गई थी। करीबन 12 गाड़ियां यहाँ पर देर रात पहुंची थी और मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची थी। मामले को लेकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से नुकसान लाखों रुपए का बताया जा रहा है, साथ ही साथ फैक्ट्री का कोई कर्मचारी तो इसमें जख्मी नहीं हुआ? हाँ, देखिए ये ऊपर टॉप फ्लोर जो है गोदाम बनाया गया था, यहाँ किसी तो ज्यादा को कार्य नहीं था और गोदाम टॉप फ्लोर में होने की आग लगने की सूचना जैसे ही पता लगी तो तुरंत आसपास के एरिए में जो है सूचना दे दी गई और मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजदीक होने की वजह से तुरंत आग पर काबू पाया गया है। किसी कर्मचारी की हताहत होने की कोई खबर नहीं, ना कोई घायल हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो लाखों रुपए का जरूर बताया जा रहा है। अभी कितना क्या नुकसान है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है आग पर नियंत्रण पाया जा चुका है और अभी बिल्कुल यहाँ पर किसी भी प्रकार की अन्य जगह कोई आग नहीं है। जी चलिए ठीक है राम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया है।